हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मुझे लग रही थी भूख और मैंने रात को बनाई थी खिचड़ी, मूंग की दाल और चावल वाली जो खिचड़ी होती है वो, तो क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो मैं खिचड़ी के ऊपर चिकन आलू का सालन डाल के, बेसिकली ना मुझे चिकन खानी थी ना मुझे आलू खाना था, तो फिर मैं उसके ऊपर उसका शोरबा डाल के वो खा रही हूँ। शदीद भूख लग रही थी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, अभी मैं ये खाऊँगी ताकि मैं जो मुझे भूख लग रही है वो पूरी हो जाए। और दूसरा, मान सो रहे हैं, सुबह के कोई 6:30 बज रहे हैं और मैं कोई रात 4 बजे उठ गई थी, जल्दी सो गई थी, 10 बजे सो गई थी, 4 बजे खुद ब खुद एकदम फ्रेश आँख खुल गई थी। तो चलें सबसे पहले ये खाते हैं, उसके बाद आपको बाकी का दिन दिखाते हैं आज का। ये मेरे चिकन आलू, और इतनी भूख लग रही है मैंने लाइट खोलना भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ जी, तो आज जो है वो 5 दिनों बाद कोई हम दोबारा से डाइट फॉलो कर रहे हैं। डाइट रूटीन बीच में ख़राब हो गया था और खूब सारी चीट डे चल रहे थे और जिम भी नहीं जा रहे थे साथ साथ, तो आज से जिम भी दोबारा से रिज्यूम हो रहा है और हमारा डाइट प्लान भी रिज्यूम हो रहा है। डाइट जब करते हैं तो मान मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन चाहिए होता है, उनको प्रोटीन लेते हैं तो वो चिकन ब्रेस्ट बीफ इस तरह का कुछ खाते हैं, तो आज मैं उनके लिए चिकन टिक्का मैरिनेट करके बना रही हूँ। उनसे बिल्कुल फीकी बॉइल्ड ग्रिल्ड चिकन नहीं खाई जाती, उनको हल्का सा कोई फ्लेवर चाहिए होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं विदाउट ऑयल उनको थोड़ा सा स्पाइसी सा या कोई फ्लेवर वाला चिकन बना के दूँ। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके साथ मैं शायद बनाऊँगी ज्वार की रोटी। तो ये सारा कुछ आज आपसे शेयर करती हूँ इस व्लॉग में। तो अगर आप लोगों के, अगर आप लोग भी ऐसा कुछ बिल्कुल हेल्दी हेल्दी खाना चाहें, बनाना चाहें, तो नॉर्मल रूटीन की ही हमारी चीज़ें हम किस तरह हेल्दी वे में खा सकते हैं ये आपको इस व्लॉग से पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1100 ग्राम चिकन है, ये पूरा होल चिकन थी, मैंने इसको टिक्का पीसेस में कट कर लिया है। तो मैं इस तरह से मैरिनेट करके बॉक्स में, कंटेनर में, फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि अगर मुझे पूरा नहीं भी बनाना हो तो मैं बाकी का जो बचा हुआ होता है वो बाद में बना लेती हूँ, या वो डेली बेसिस पे मुझे आसान होता है कि मैं मैरिनेट करके रख दूँ। तो सबसे पहले हम चिकन को प्रिपेयर करेंगे, इसको मैरिनेशन करेंगे, इसको हेल्दी वे में किस तरह से लाइट लाइट बिल्कुल मसालों के साथ मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने इसको माइक्रोवेव किया है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें भर के डालेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका डाला है इसमें मैंने, पिसा हुआ ज़ीरा है ये, तो किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले सकते हैं, ये वाला टिक्का मसाला है मेरे पास, ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इस पूरी चिकन में डाल दूँगी। ये वाले 2 टेबल स्पून मैंने टिक्का मसाला डाला है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ही ऑलिव ऑयल डालूँगी। और जब 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में डाल रही हूँ ना, ये उसी में पूरा कुक होगा, मैं इसको हल्के से ग्रिल करूँगी पहले और हाफ डन हो जाएगा जब ये, तो फिर मैं इसको एयर फ्राई करूँगी, तो मतलब ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 टेबल स्पून ऑयल हो गया, बिल्कुल उस जैसा होगा, टेस्टी और हेल्दी। मैरिनेशन तैयार है, कवर करेंगे और इसको हाफ एन आवर के लिए, अगर फ़ौरन आपको बनाना है तो हाफ एन आवर मैरिनेट कर लें, और अगर फ़ौरन नहीं बनाना है तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ओवरनाइट हो जाएगा तो और मज़े का होगा। इसको बंद करेंगे और ट्रस्ट में ये इतना कोई सुपर 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 यमी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। अब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, हम बना लेंगे तुरई फटाफट से, तुरई की सब्ज़ी, और उसके बाद हम बनाएंगे ज्वार की रोटी। तो तुरई भी मैं थोड़े से बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में बनाऊँगी, किस तरह बना रही हूँ ये दिखाती हूँ आपको। ये उसमें ये प्याज डाल देंगे, रफली स्लाइस की हुई है मैंने, एक प्याज है, हल्के से सौते करना है हमें प्याज को, ब्राउन नहीं करना। ये देखें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हल्के से सौते हो गई है प्याज, बाकी की ये टमाटर के साथ होगी। इस टाइम पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून और ज़ीरा, ये एक टमाटर है जो मैंने चॉप किया है, ये डाल दूँगी। इतनी ज़रा सी कटी हुई लाल मिर्च और बिल्कुल ज़रा सा ही सॉल्ट और बिल्कुल थोड़ी सी ही हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर
बस इसको ज़रा सा ऐसे भूनेंगे और इसमें आप तुरई डाल देंगे। अच्छा, सेम इस रेसिपी से आप लौकी भी बना सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं इस तरह की जो ग्रीन सब्ज़ी होती है। तो ये तुरई डाल दी इसमें सारी और ये मैंने डाल दिया, आपको दिखाना भूल गई, थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया डाला बिल्कुल हाफ टी स्पून। देखिए जनाब, अब जैसे ही ये टिक्का मैरिनेट हो गया है, मैंने इसको खाली फ्राइंग पैन के अंदर बस ऐसे स्टीम होने रखा है, मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। ये जब हाफ डन हो जाएगा तब मैं इसको एयर फ्राई करूँगी। अच्छा जनाब, ये मैंने लिया है 1 कप ज्वार का आटा और 1/2 कप नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है वो, और उसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हल्के से गर्म पानी से गूंद लेंगे, करते जाएंगे और हल्का हल्का गूंदते चले जाएंगे। आटा हमारा डो जो है वो प्रिपेयर है, अब इसकी रोटियां बनाते हैं हम। ज्वार की रोटी बेलना और बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, मकई के आटे के जैसा दरदरा और भुरभुरा आटा होता है उसका। तो फाइनली मैं एक रोटी उस पर डाल चुकी हूँ और एक बेल रही हूँ, ये दिखा रहे, ये बेल चुकी है। अभी मैं आपको पेड़ा बना के बताती हूँ। छोटा सा बिल्कुल नॉर्मल रोटी से के आधे से आधा पेड़ा लेना है आपने, छोटा सा, बड़ा पेड़ा नहीं लेना है वरना रोटी बार बार टूटेगी आपकी। और बस इसको अच्छे से आटा लगाना है खुश्का ऐसे करके, और बिल्कुल ड्राई ये आटा लगा लगा के आपने इसको बेलना है। तो अभी मैं आपको ये बेल के दिखाती हूँ, जब तक मैं ये डाल दूँ और ये दिखा दें। एक साइड से हो गई थी, दूसरी साइड से पक रही है। बस ये रेडी है हमारी परफेक्ट ज्वार की रोटी। ये ज़बरदस्त तुरई हेल्दी वे में, ये एयर फ्राइड चिकन और ज्वार की रोटी, खाना रेडी। मान को खाना बना, मान को दे दिया खाना बना के, अब मान से पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें। मान, ये सब हेल्दी वे में बना है और आज मैंने इन लोगों को वो भी बताया है कि कैसे बनाते हैं हेल्दी वे में नॉर्मल खाना। ओके, सबसे पहले तो ये ज्वार की आटे की रोटी और ये जो अल्लाह भला करे तुम्हारा, तुमने तोरी बनाई है, मेरे सामने टिक्का भी रखा हुआ है। टिक्का भी तुमने बताया होगा, टिक्का छुआ भी नहीं आपने अभी तक। टिक्का अभी तक छुआ भी नहीं है और मैं सिर्फ जवार की रोटी और तुरई खा रहा हूँ। क्या ही माशाल्लाह जबरदस्त टेस्ट है, और क्या ये भुरभुरी सी रोटी है, क्या मतलब आप मुंह में रखे, सोंधी सोंधी कितनी है ना, सोंधी सोंधी, इतने मजे का, बहुत हेल्दी होती है ये शदीद, तो मजा आ गया। गेहूं की रोटी से ज्यादा हेल्दी होती है। और ये मैं जो ये, हाँ यही पूछने वाली थी मैं कि ये क्योंकि मैं अभी नहा के आया तो बाल मेरे गीले हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये तौलिया इस तरह से बांधा हुआ ताकि सूख जाए बाल। यम्मी फूड, थैंक यू सो मच। यू वेलकम सो मच। और मान हमेशा खाना खाते हुए कुछ देखते हैं तो मोरू भैया का पॉडकास्ट चल रहा है। ये देखिए सच में टिक्का एज इट इज रखा हुआ है और तुरई माशाल्लाह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं वॉक पे। ट्रैक पे आ चुके हैं हम। दोनों ने साथ शुरू किया और वॉक शुरू हो चुकी है। और मेरे पीछे ये मेरी फेवरेट बिल्डिंग शंग्रीला, तकरीबन 6 बज रहे हैं। बुर्ज असीला नाम है एक्चुअली इसका, और इसमें शंग्रीला होटल है और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है।